हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे छठा क्लास का जो SCERT की किताबें थी, आज हम लोग उसका अंत करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। और कुछ कलेक्शन भी किया गया था NCERT से संबंधित, विविधता एवं भेदभाव हम लोग देखेंगे इसमें। तो विविधता एवं भेदभाव को आप देखिए, ये टॉपिक है आपके NCERT में, सिक्स क्लास के NCERT में यह दिया हुआ है। हम दोनों को कंबाइंड आपको करा रहे हैं, बिहार जो सरकार के द्वारा जो किताबें, मतलब जो किया गया है, जिसे SCERT हो गया और NCERT हो गया, तो उसी में हम लोग दूसरा जो टॉपिक देखेंगे विविधता एवं भेदभाव, है ना। तो फैक्ट हम लोग कोशिश किए हैं वहाँ से लेने का, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखता है कि दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत सारी बातें हो जाती है, लेकिन फाइनली अगर देखें तो SC ST जो हो जाते हैं उन्हीं को रखा गया। भारत की अधिकतर आबादी गाँव में रहती है, ये सभी लोग जानते हैं। भारत की अधिकतर जो आबादी है कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। हालांकि अगर देखें तो शहरीकरण भी अपने गति में तीव्र गति से बढ़ते जा रही है, है ना। और गांव के लोग पलायन करके शहर में बसना चाहते हैं, और शहरीकरण भी तीव्र गति से बढ़ते जा रही है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका वर्णन आपको पता ही होगा, प्रियम्बल में इसका वर्णन है, प्रस्तावना में इसका वर्णन है। और इसी धर्म निरपेक्षता को तत्कालीन जो सरकार है वो ख़त्म करने के लिए हमेशा व्याकुल है, है ना। यहाँ सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति पंथ संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक साथ रहे, इसीलिए इस धर्म निरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया गया, लागू किया गया। लेकिन तत्कालीन सरकार जो समाज में भेदभाव का जो बार बार आरोप झेलती है, है ना, ये हम लोग देखते हैं। और इसी धर्म निरपेक्षता को ख़त्म करने के लिए ये हमारा जो समरसता है, जो प्रेम और मोहब्बत का जो भाव हमें सिखाता है, इसको ख़त्म करने के लिए हमेशा जो तत्कालीन जो केंद्र की सरकार आप देखते हैं, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं महार जाति के थे, पूछा जा सकता है। हालांकि आपको एक ऐसा पर्सनैलिटी, अगर पॉलिटी पढ़ना हो, भारत का संविधान पढ़ना हो, भारत का सामाजिक और भारत बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं, उनका योगदान अगर पढ़ना हो तो आपको इनका व्यक्तित्व भी पढ़ना चाहिए। शायद इस भारत की मिट्टी में कोई ऐसा शख्स भी पैदा हो जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर की उनसे तुलना किया जा सके। भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो इनका व्यक्तित्व तो पढ़ेंगे तब जा करके आपको लगेगा। और दृष्टिकोण बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक भारतीय होने, जैसे भारत का एक होता है कि भारत के हम हैं, ये भी भारत के हैं, इस तरह से जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच जो है इसका चश्मा पहन के कभी मत पढ़िए, है ना, नहीं तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। भारतीय संविधान आप देख सकते हैं महार जाति से, है ना, अनुसूचित जाति में आ जाते हैं। और यही महार जाति का इतिहास तो आप पढ़े होंगे, बहुत बहुत भयानक है। भारत में कहता है कि कुल 1600 भाषा है, लेकिन अगर अभी हम लोग अभी बात करेंगे तभी अगर गूगल चेक करेंगे तो लगभग 19,500 भाषाओं की चर्चा किया गया है, लेकिन उसकी बात नहीं करेगा। अभी हमारे भारत के संविधान की अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन है, है ना। और अभी भाषा जो है 22 प्रकार का है। यही पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, है ना, पूछा जा जाता है। और अंग्रेजी की बात पूछा जा सकता है तो चीनी हो जाएगा, चीनी को मंदारिन भाषा भी बोला जाता है, है ना। और तीसरा स्थान आपके हिंदी का आता है, तीसरा स्थान हिंदी का है। और चौथा स्थान जो है स्पेनिश हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कौन ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है, है ना। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है भारत में वो आपका हिंदी हो जाएगा, ये सभी लोग जानते होंगे। और हिंदी के बाद जो है वो बांग्ला भाषा होता है जो बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। और बांग्ला के बाद जो मराठी है, मराठी भाषा बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, मराठी भाषा बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पे कहता है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है ना। भारत माता या भारत पिता अगर कहें तो दोनों एक ही बात हो जाता है। भारत माता के रूप में, भारत के पिता के रूप में, है ना, भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया, है ना, 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आप बढ़ सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बातें हैं, है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी बातें हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे, जब हमारे भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए हैं, तब उन लोगों ने तलवार के बल पे भारत में लोगों का धर्म परिवर्तन भी करा दिया। उसी तरीके से जब मौर्य सम्राट की अंत हो गई, आप पढ़ेंगे इतिहास की गहराई तक अब अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। कभी कभी ये भी सोचना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मन में चलते होंगे। कभी कभी ये अपने मन से भी पूछना चाहिए और पूछने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। एक दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान आदमी अगर इस धर्म को अंगीकार करता है तो कुछ बात हो रही होगी। और ये आपको पता है कि हिंदू धर्म जो है या कहीं दूसरे धर्मों का थोपा गया, और उसी तरह जिस तरीके से मुस्लिम आक्रमणकारी जबरदस्ती तलवार के बल पे किसी धर्म को थोपते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी भारत के मूल निवासियों के ऊपर ऐसे धर्म को थोपा गया तलवार के बल पे। पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए भारत में जितने भी हिंदू हैं वो एक समय में बहुत ज़्यादा सताए गए हैं। एक समय में उनके उनके गले पे तलवार रखी गई होगी, तब उन्होंने धर्म को परिवर्तन किया होगा। और ये सब चीज़ें जो है इतिहास पढ़ने से समझ में आता है। भारत के सारे लोग जितने भी अभी हिंदू जो बोले जाते हैं वो एक समय में बौद्धिस्ट थे। आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि इतिहास पढ़ने से पता चलता है, किसी की सुने सुनाए बातों से नहीं पता चलता। आप बहुत गहराई में जा कर के पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत में जो एस सी एस टी ओ बी सी समाज के जो लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से, बहुत संघर्ष करने के बाद उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, तब जा कर के उन्होंने इस धर्म को अपनाया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कुछ ऐसा ही उनका विचार होगा। बहुत से ऐसी बातें हैं इस समाज में, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे का अभाव भी दिख रहा था समाज को, जिस तरह से जाति पाति बहुत ज़्यादा विभाजनों में दिखता है, और ये हमारे समाज, हमारे संरचना के लिए बहुत ही खतरनाक है। साथ ही साथ हमारे देश के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप देखते होंगे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जो है, हम इस बात को समझते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत का है। इसके पहले 2011 जनगणना पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चाइना नंबर वन पे था, लेकिन अभी की समय में अगर देखेंगे तो आपका इंडिया नंबर वन पे है। लेकिन हिंदुओं की जो आबादी है वो ज़्यादा नहीं है। अगर हम पूरे विश्व में अगर बात करें, सर्वाधिक विश्व में किसकी आबादी, किस धर्म की आबादी ज़्यादा है, तो ईसाई हो जाते हैं। और ईसाई के बाद दूसरा स्थान इस्लाम का आता है, और तीसरा स्थान है वो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का आता है। हालांकि भारत में ही ये सारा चीज़ें दिखता है, भारत के बाहर ये पाखंड और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण युवा लोग रखते हैं, घर परिवार वो समाज सोसाइटी रखता है। जैसे आप अमेरिका की बात कर दें, यूरोप की बात करते हैं, आपके बगल में चले जाइए चाइना ही है, वो भी ऐसे ही दृष्टिकोण रखता है। और जो लोग ऐसा दृष्टिकोण रखता है वहाँ का सामाजिक संरचना बहुत ही बेहतर होता है, और साथ ही साथ उस देश की तरक्की भी उन समाज से, क्योंकि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वहीं इसका समझिए कि इस भारत का बहुत कीमती संसाधन है, और उन्हीं को इस तरह से मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए, मानसिक रूप से छत बिछत कर दिया जाए, तो फिर हमारे देश, हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और तरक्की रुक भी जाता है। और आप देखते होंगे तत्कालिक सरकार में ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। खैर छोड़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया, इसके पीछे बहुत बड़ा एक सोच है, और शायद हो सकता है प्रगतिशील विचारधारा ये दिखाता है
कि आप कम से कम जो चीज़ें आपके ऊपर थोपा गया था आप कोशिश करते, लेकिन अब क्या होता है कि समाज के लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे बाप दादा पूर्वज ऐसे करते रह गए तो शायद हमें भी ऐसा करना चाहिए, है ना। उन्होंने ये नहीं देखा कि पूर्वजों के ऊपर कितना जुल्म हुआ होगा इस धर्म को स्वीकार कराने के लिए, है ना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को लेके चले आ रहे हैं और चलते आ रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब के अगर पढ़ेंगे तब आपका दिमाग खुल जाएगा, यकीन है मेरा। अगर एक बार पढ़ के देखिए तब आपको समझ में आएगा कि भारत में जिन्होंने जितना काम कर दिया शायद आज़ादी के बाद कोई भी नेता जो है ये काम नहीं किया होगा। आपके घरों में जो स्वच्छ पानी जाता होगा, आप जिस बिजली के चकाचौंध में जी रहे होंगे, यह भी देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही है, ये बहुत कम लोग शायद जानते होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अध्याय हमारा तीसरा है और कहता है कि सरकार क्या है ना। अध्याय तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, ये है, अगर आप पढ़िएगा छठा क्लास का एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है सरकार क्या है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है। देखिए लोकतंत्र की विशेषता डायरेक्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो हम सभी जानते हैं लोकतंत्र क्या होता है ना। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक की अगर बात करें, अगर यहाँ पर लोक की बात करें तो ये हो जाता है जनता या लोक। तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन होता है ना। अगर हम भाव की अगर अर्थों में देखें तो एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। हम बचपन से ही अब्राहम लिंकन की भी एक नारा है और बहुत ही बेहतर, मतलब बहुत ही फेमस है, आखिर लोकतंत्र लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, है ना, उसमें दिखाया गया कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। तो लोकतंत्र में ये दिखाया कि यह लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन होना चाहिए, है ना। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और बहुत ही फेमस हो गए और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। हालांकि यहाँ पे देखिए लोकतंत्र की विशेषता कहता है, लोकतंत्र की बहुत सारी विशेषता है, बहुत ऐसे कंट्री हैं, अधिकतर से अधिकतर कंट्री की अगर बात किया जाए तब उन लोगों ने लोकतंत्र को ही अपनाया। लोकतंत्र के पीछे की अगर बात किया जाए तो लोकतंत्र समाज को जीने के लिए और समाज में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने लोकतंत्र की बात की तो लोकतंत्र में ये देखा जाता है कि लोगों का जो शक्तियाँ हैं, है ना, थोड़ा सा व्यापक हो जाता है। लोगों का जो अधिकार है वो व्यापक हो जाता है, फंडामेंटल्स राइट्स हैं वो व्यापक होते हैं, है ना, और उनका जो अधिकार है वो सुरक्षित रहता है। यहाँ पे हम लोग लोकतंत्र की अगर विशेषता देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी होती है, इसमें जाति लिंग धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ना। एक पार्टी या दूसरी पार्टी के साथ स्वस्थ रूप से प्रतिस्पर्धा करती है, ये नहीं कि अभी के समय में देखेंगे संसद भवन में जब पक्ष और विपक्ष बात करता है तो ऐसा लगता है कि कब मारपीट हो जाए ये समझ में नहीं आता, है ना, कब गाली गलौज हो जाए, कब मुँह से मतलब ऐसा ऐसा शब्द निकल जाए ये नहीं बता सकता आदमी, ऐसा कंडीशन हो गया है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो लोकतंत्र की विशेषता धूमिल पड़ने लगती है ना, निरंकुशता का भाव दिखने लगता है और लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने लगती है। लोकतंत्र बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, लोकतंत्र अधिकतर देश नहीं अपनाया। अगर हम देखें तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो आज़ादी की बिगुल बजाई बजाई थी और संघर्ष जो किया था, अपनी कुर्बानियाँ भी दी थी, उसके पीछे एक ही कहानी था, एक ही मकसद और उद्देश्य था, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्योंकि अगर देखेंगे हम लोग आधुनिक समाज में तो आधुनिक युग में ब्रिटेन से ही इसका उद्भव माना जाता है, हालांकि उससे प्रेरणा लेकर अमेरिका और फ्रांस में भी क्रांति हुई और वहाँ भी लोकतंत्र की स्थापना हुआ। ये लोकतंत्र इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे जो जीवन है, जहाँ पे लोगों की सुरक्षा है, जहाँ पे लोगों का फंडामेंटल राइट्स है वो सुरक्षित होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति हो जाती है। लोकतंत्र में यही होता है, लोकतंत्र में कि जनता जो है, खास करके हम लोग भारत की बात करें तो जनता की शक्तियाँ जो हैं वो सर्वाधिक है, जनता की जो शक्तियां हैं वो सर्वाधिक हो जाती हैं, उसे वो हक मिलता है, वो अधिकार मिलता है कि अपना राजा चुन सके। बनाने का और बिगाड़ने का भी शक्ति है इस जनता के हाथों में है, वोट की शक्ति जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि आपका पड़ोसी कंट्री भी लोकतंत्रिक देश ही है, जैसे चाइना, लेकिन चाइना में
उस टाइप का लोकतंत्र नहीं है जो खूबसूरती आपके भारत में दिखता है। चाइना में जो लोकतंत्र है वहाँ पर राजा की यानी कि प्रेसिडेंट की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है और वहाँ रहने वाले उस भूभाग में रहने वाले लोगों की शक्तियाँ कम हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अमेरिका में यही बात देखिए, अमेरिका में वहाँ के प्रजा की शक्तियाँ, वहाँ के जो रहने वाले अमेरिकन हैं उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों का मिला जुला रूप हमारे भारत में दिखता है ना। कहीं कहीं देखिएगा तानाशाह हो जाती है और कहीं कहीं देखिए नर्म हो जाती है, लेकिन जनता जनता भारत के लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाती। लेकिन अमेरिकन और यूरोप में लोकतंत्र की जागरूकता जो है लोगों के जेहन में, लोगों को समझ में है, इसलिए उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिलता है और सरकार जो है तानाशाह नहीं होती। जैसे हम लोग बात करेंगे कभी कभी आप देखिए तत्कालीन सरकार के नेता ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार 400 पार करेगी, फलाना करेगी, तो हम लोग संविधान को बदल देंगे। लेकिन अमेरिका में अगर बात किया जाए तो 1789 के बाद जब संविधान लागू हुआ मात्र 27 बार इसमें संशोधन किया गया और कोई भी नेता क्या, कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता कि हमको वहाँ का संविधान बदल देना चाहिए। हालांकि दुनिया का कोई भी खेल हो गंदा नहीं होता, उसमें खेलने वाला खिलाड़ी गंदा होता है। हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह बात कहा था कि जब संविधान लागू हो जाएगा तो डिपेंड करता है उस पर्सनैलिटी पे, अगर वो आदमी अच्छा होगा तो संविधान अच्छा होगा, अगर वो आदमी खराब होगा तो संविधान खराब होगा। दृष्टिकोण की बात थी है ना, समाज को एकांगी और समान रूप से देखने का जो भाव है यहाँ पे इंगित करता है। तो बहुत सारी बातें हैं, आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे और इसी लोकतंत्र की हम लोग बात कर रहे थे, नेताओं को चुनने की शक्तियाँ हैं। और यहाँ पर देखिए जब चुनाव की बारी आती है तो हमारा जो समाज है जो बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है, जाति पाति लिंग बहुत सारा चीज़ें हैं, जब जब चुनाव की बारी आएगी तो सारे लोग समान दिखाई देंगे है ना। लेकिन सामाजिक आधार पे आज भी वही व्यवस्था बरकरार है जो सदियों से चला आ रहा है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसको समाप्त किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती जो 4.0 की अगर हम लोग बात करें तो समान अध्ययन से भी प्रश्न बहुत ही तगड़ा पूछे जाते हैं है ना, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। और जब बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा हो तो इतना याद रखना चाहिए कि आपका जो लेवल है जनरल नहीं होगा है ना, इसका स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने समान अध्ययन जीएस से जो जनरल स्टडी हो जाता है उसका भी क्लास जो है आपको स्टार्ट हुआ है और इतना फीस नहीं है, 199 रुपये में है। 199 रुपये में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे एक लिंक आपको मिलेगा ज्वाइन का, आप चाहे तो ज्वाइन पे कर करके आप ज्वाइन पे जाइए, वहाँ पे क्लिक करके आप हमसे मेंबरशिप की प्राप्ति कर सकते हैं। और आपको बेहतर तरीके से पूरे जीएस की पूर्ण रूप से जो सिलेबस है बीपीएससी टीचर में जो अकॉर्डिंग ये कहता है, डिमांड करता है, वो सारी की सारी जो जीएस से संबंधित जो मैटर है वो भी दिया जाएगा। इसमें डाउट क्लास भी है, आपको टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। और हम लोग अलग से भी एनसीईआरटी का और एससीईआरटी जो कम्बाइंड है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, हमने ही इसको प्रारंभ किया है। जैसे मानते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 6th क्लास का अगर कोई बुक है तो वही चीज़ें आपको एससीईआरटी में 6th क्लास का बुकलेट की जो बात है, जो सब्जेक्ट है, वो करवाया जाएगा। और इसमें बहुत सारी जो सुविधा हैं, जो बहुत सारी विशेषता जो आप पढ़ रहे थे वो सारी विशेषता है और आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। आपके बीपीएससी के लिए किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगा, एक बार में आप कंप्लीट और फाइट करेंगे, ऐसा ही कुछ प्लान हम लोगों ने डेवलप किया है, तैयार किया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके फ़ायदे की चीज़ है। यहाँ पे देखिए सरकार के अंग है ना, सरकार के अंग में क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है ना। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आप तीनों का काम तो देखते होंगे है ना। विधायिका का काम है कानून को बनाना है ना, इसका काम क्या है, कानून को बनाना है, और इसका काम है क्रियान्वित करना, और इसका काम है समीक्षा करना है ना, इसका काम क्या है, समीक्षा करना। देखिए ये तीनों जो कार्यपालिका, विधायिका, जो न्यायपालिका है, तीनों जब काम करते हैं तो संतुलन बना के काम करते हैं है ना। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे देश में वोट डालने का जो उम्र है 18 वर्ष कर दिया गया है।
पहले अगर बात हम लोग करें तो पहले वोट देने का जो अधिकार था 21 वर्ष था, है ना, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और यह सवाल जो है आपसे पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में, है ना। 61वां संविधान संशोधन यही पूछता है, बहुत VVI है ना। और 21 वर्ष से घटा करके वोट देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो आप दिल्ली में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा करते हैं, शॉर्ट में जो था वही हम लोगों ने कोशिश किया देने का। और इंग्लैंड में वोट डालने का जो अधिकार है 1928 में मिला। और भारत में देखिए, भारत में 1919 अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, है ना। और इसी 1919 की समीक्षा हेतु यहाँ पे साइमन कमीशन आई थी, है ना। साइमन कमीशन यहीं पे आया था, 1919 जो एक्ट है इसी की समीक्षा हेतु आया था, जिसका विरोध सबसे ज़्यादा भारत में किया गया। और इसी विरोध हेतु लाला लाजपत राय का, है ना, लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, सब मूवमेंट किससे संबंधित है, है ना। सफ्रेज मूवमेंट की बात करें तो महिला मताधिकार से ये इसका संबंध हो जाता है। चलिए थोड़ा बहुत और भी देखा जाए। यहाँ पे कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना। अमेरिका में महिला को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, है ना, और 1919 एक्ट के अनुसार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अध्याय हमारा चौथा है, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व कहता है, है ना। तो चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं, कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। लास्ट ही हम करने वाले हैं, मिंटूर बांध जो है कावेरी नदी पर, है ना, तमिलनाडु में बसा है। पूछा जा सकता है कि मिंटूर बांध जो है किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा कावेरी नदी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा गया सवाल है, पूछा जाता है कि मिंटूर बांध जो है किस नदी पर है, तो कावेरी नदी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति जो 1994 में क्या हुआ, समाप्त हुआ, है ना। आप यह जब पढ़ेंगे, NCERT की बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपके पास थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए, है ना। BPSC का मेंस देना हो या UPSC देना हो, तो बिना इसे पढ़े काम नहीं चलेगा, इतना याद रखिएगा, है ना। इसलिए सारे टीचर यही बात कहते हैं कि कम से कम 5 महीना 6 महीना आप NCERT पढ़ लीजिए, SCERT किताबें पढ़ लीजिए, उसके बाद तैयारी करिए UPSC और BPSC का, तब मज़ा आएगा, है ना। नहीं तो बस PT दिखाने के लिए, तब तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। हम लोग का भी शुरू शुरू में PT हुआ था तो लगता था कि बहुत सारा चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होता है, है ना। जो गहराई में पढ़ते हैं, जब मेंस दीजिएगा तब समझ में आएगा, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप NCERT की किताबें पढ़ लीजिए और 5 महीना अपने रूम पे बैठ के बहुत खूब स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, इतना करिए कि आपको समझ विकसित हो जाए, आपकी बेसिक जो है इसकी नॉलेज हो जाए, तब प्रारंभ करिए अपना तैयारी का। 1 साल टाइम लगाइए, है ना, 1 साल में कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन इसके बगैर चाहिएगा तो 10 साल से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी एकेडमिक अच्छा नहीं है। अगर एकेडमिक अच्छा नहीं है, जैसे JNU से नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है, है ना, और BHE से नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कावेरी नदी पर दो राज्यों का जल विवाद यहाँ पे देखने को मिलता है, है ना। अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, पंचायती राज हमारा हो जाएगा। और पंचायती राज में देखिए, पंचायती राज में क्या कहता है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, है ना। और जब आप विधानसभा का जो मेंबर बनते हैं तो 25 साल हो जाता है, है ना। या लोकसभा की बात करें तो कितना हो जाता है, 25 साल। लेकिन राज्यसभा की अगर बात करिए तो कितने साल हो जाता है, 30 वर्ष हो जाता है, है ना। और जब राष्ट्रपति की बात करिएगा तो कितने साल हो जाता है, 35 वर्ष हो जाएगा, है ना। और वोट देने का अधिकार कितना है, 18 वर्ष में हुआ। कब हुआ, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ, है ना। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है अगला पॉइंट कि हरियाणा में पंचायती जो राज है 3 स्तर पे हो जाता है, ये सब कोई को पता है। और ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को सचिव संभालता है। और पंचायत के कामकाज को अगर देखें तो ग्राम सभा जो सभा है स्वीकृति देती है, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है,
है ना। हमने पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, हालांकि पंचायती राज व्यवस्था अच्छा से हम करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि ग्राम पंचायत का ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए हैं उसका रिकॉर्ड कौन करता है? ग्राम सचिव रखता है, और ग्राम सचिव की नियुक्ति है जो सरकार द्वारा होती है ना। इसकी नियुक्ति जो है सरकार द्वारा होती है, जैसे यहाँ पे देखिए, है ना। यहाँ पे कहता है कि ग्राम पंचायत के कार्य है, कार्य क्या हो सकता है? स्थानीय कर लगाना एवं इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देना, संबंधी सरकारी योजनाएं लागू कराना, बहुत सारी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ग्राम पंचायत का अपना काम हो जाता है। जैसे में कुछ और भी हम लोग देखेंगे, रंग भेद नीति के खिलाफ सबसे लंबा संघर्ष करने जो अफ्रीकी नेता हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, है ना, ये बहुत लंबा संघर्ष किए। जिस समय में लोग अपने जीवन में मौज मस्ती करते हैं उस समय में इनको रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ना पड़ा, और बहुत सारा जिंदगी जो था इनका जेल के चार दीवारी में ही बीत गया। लेकिन संघर्ष करने के बाद वहाँ के लोगों को इन सारे समस्याओं से निजात जरूर मिला। चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव रंग भेद नीति कहलाता है। भूगोल के जनक की बात करें तो हिकेटियस है ना, हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल के जनक। चलिए और भी कुछ पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या हो जाता है? ग्राम पंचायत हो जाएगा, है ना। और लोकतांत्रिक सरकार की खूबसूरती है पंचायती राज व्यवस्था, खूबसूरती है, और पंचायती राज व्यवस्था सत्ता का क्या है? विकेंद्रीकरण हो जाता है ना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, लास्ट ही हुआ मेरे ख्याल से, अध्याय 6 है गांव का प्रशासन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 2005 में आया है ना, पटवारी के काम का निरीक्षण तहसीलदार करता है, और पटवारी की बात करें तो भूमि को मापना और भूमि अभिलेख रखना यही इनका काम हो जाता है ना। भू राजस्व की वसूली करना ये काम हो जाता है। पटवारी का नाम लेखपाल भी हो जाता है, जैसे लेखापाल की नियुक्ति भी होती है। लोहे की जंजीर जिससे खेत नापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। मृत्यु दर की बात करें तो 1000 व्यक्ति पर जीवित मृतकों की संख्या को मापा जाता है ना। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे कहता है प्राकृतिक वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर पर अंतर होता है, इसी को हम लोग प्राकृतिक मृत्यु दर कहते हैं। जनसंख्या घनत्व, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे ये बार बार प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो बिहार हो जाता है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कितना? 1106 हो जाएगा, ठीक है। और मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण 1985 में हुआ, ठीक है। मानव संसाधन मंत्रालय का जो निर्माण है कब हुआ? तो 1985 में हुआ। चलिए, हम लोगों ने यही आपको बताना चाह रहे थे, SCERT और NCERT का जो क्लास है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे हम लोग देखें इसका इतना ज़्यादा फीस नहीं रखे हम, आप ही लोगों के डिमांड के अनुसार ही था। तो ये हो जाता आपका 399, है ना। इसका जो फीस हम देखेंगे तो 399 में आप चाहें तो वहाँ पे जाकर इसे आप ले सकते हैं, और इसमें दोनों चीज़ें मिलेगा, SCERT की सारी बुकलेट, सारा क्लास मिलेगा, और NCERT का सारा क्लास मिलेगा। और BPSC 4 के लिए जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारा का सारा चीज़ें आपको कराया जाएगा। और इसका जो क्लास है सबसे ज़्यादा BPSC जो 70 BPSC हैं, 71 BPSC उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है ना, BPSC और UPSC के लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। तो चलिए लास्ट ही है, हम लोग यहाँ पे नगर प्रशासन देखेंगे, अध्याय 7 हो जाता है नगर प्रशासन। देखिए कहता है कि नगर निगम की आय का स्रोत क्या हो जाएगा? संपत्ति कर हो जाता है, पानी व अन्य सुविधा कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, नगर पालिका के तहत एक शहर को वार्ड के अनुसार विभाजित किया जाता है, और प्रशासन छोटे कस्बों में शहर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है ना। और यहाँ पे देखिए, नगर निगम की आय का संसाधन क्या हो जाएगा? यहाँ पे नगर निगम की आय के संसाधन क्या है? तो करों से आय, सरकार से आय, मेले से आय, आप देखते होंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हो जाएगा। प्लेग हवा से फैलता है, आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। अध्याय हमारा 8 है, और यहाँ पे देखते हैं अध्याय 8 में क्या कहते हैं। अध्याय 8 ये लास्ट ही है हमारा, है ना। देखिए, कलरीपायट्टू दक्षिण राज्य केरल का एक क्या है? युद्ध कला हो जाता है।
और यहाँ पे दिखाता है कि रबी फसल कौन कौन है और खरीफ फसल कौन कौन है ना। तो रबी फसल में क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाता है, जौ हो जाएगा, आलू हो जाएगा, चना हो जाएगा और मसूर हो जाएगा, है ना। और खरीफ फसल की बात करें तो धान हो जाता है, मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा और बाजरा हो जाता है। तो रबी फसल में हम लोगों ने देखा और खरीफ फसल में देखा। तो चलिए यहाँ तक ये हमारा सिक्स क्लास का जो एससीईआरटी की किताबें हैं और एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो समाप्त होता है। अगला जो क्लास में हम लोग करेंगे अगले सब्जेक्ट का और अलग हम लोग अच्छे से उसको, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।